प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। दुनिया इस समय कोरोना संकट का सामना कर रही है। भारत में 15,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस बीच जितनी चर्चा कोरोना वायरस की है, उतनी ही चर्चा तबलीगी जमात की भी, खास तौर पर तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद कंधालवी की। ये आखिर सुर्खियों में क्यों है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पिछले महीने निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें शामिल जमात के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मरकज के कार्यक्रम में शामिल काफी लोग वापस अपने राज्यों को चले गए थे, जिनके संपर्क में आने से भी कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन के तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद कंधालवी समेत कुछ अन्य लोगों पर धारा 269, 270, 271 और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि ये सभी जमानती धाराएं थीं, लेकिन हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के खिलाफ धारा 305 के तहत गैर इरादतन हत्या का भी केस दर्ज किया है। ये गैर जमानती धारा है। यही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंधालवी सहित मरकज की प्रबंधन कमेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर ये केस दर्ज किया। आरोप है कि मरकज को बड़े पैमाने पर देश विदेश से हवाला के जरिए फंडिंग की गई थी। इस मामले में ईडी ने मरकज के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ की थी। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को पहले दो बार नोटिस जारी किया था, जिसका मुकम्मल जवाब नहीं दिया गया। इसमें केवल मौलाना साद ने इतना ही कहा था कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो निजामुद्दीन तबलीगी जमात मरकज से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हालांकि तीसरे नोटिस का जवाब मौलाना साद ने दिया है। तीसरी नोटिस के जवाब में मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को खत लिखा। इसमें मौलाना साद ने लिखा है कि वो दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग को तैयार है। साथ ही उसने ये भी लिखा कि उसे एफआईआर की कॉपी दी जाए। उसे पता होना चाहिए कि कौन सी धाराएं उसके ऊपर लगाई गई हैं। इससे पहले मौलाना साद ने अपने अनुयायियों के लिए ऑडियो संदेश जारी किया था। मौलाना साद ने इस ऑडियो में कहा कि यदि आप सरकार के साथ संघर्ष करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बदला ले रहे हैं, वहीं जब आप उनका समर्थन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने उनके सामने घुटने टेक दिए। हालांकि ये जाहिर नहीं हो सका है कि उसने ये बातें किस संदर्भ में कही हैं। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि मौलाना सईद कहीं नजरबंद हैं। इस बीच मौलाना साद के करीबी मुफ्ती शहजाद से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। इस दौरान शहजाद ने बताया था कि मौलाना साद दिल्ली में ही है। उसने इस बात की भी पुष्टि की थी कि मौलाना साद 1 से 31 मार्च तक तबलीगी जमात के मरकज में शामिल थे। वे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके जवाब में शहजाद ने कहा था कि फिलहाल वो क्वारंटीन में हैं, मियाद पूरी होते ही कानून के सामने आएंगे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की शुरुआती जाँच और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अगले स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही मौलाना साद से सीधे पूछताछ की जाएगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।